मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। स्टार्ट करें। वी आई थिंक वी हैव इनफ कोड टू स्टार्ट द क्लास। ठीक है, आज का स्टार्ट है यहाँ से इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय पार्ट पर। अब ये सेक्शन आपका बोलता है, अच्छा पिछली क्लास से किसी को डाउट है? Any doubt, anyone from the last class? आवाज नहीं आई सर? नो सर। ठीक है सर, परफेक्ट। ठीक है सर, ये वाला सेक्शन आपको बोलता है पार्टनर्स एंड एजेंट्स ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। ठीक है, सिर्फ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन के केसेस में ही आप बाइंडिंग एडमिशंस कर सकते हो एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म इफ हिज अथॉरिटी ऑन द पॉइंट इज लिमिटेड एंड द अदर पार्टी नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली सिर्फ आप फर्म के काम के लिए किसी बंदे को एडमिशन कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो। ठीक है, पार्टनर जो है आपका किसी फर्म के काम के लिए एडमिशन कर सकता है, बाकी किसी चीज के लिए वो नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड अदर थिंग अगर वो ऐसा करता है जिसके लिए वो नहीं कर सकता है, ठीक है, वो फिर भी कर लेता है, तो फर्म जो है सिर्फ उस चीज के लिए बाइंड होगी जिस जहां तक उसकी अथॉरिटी लिमिटेड है। एंड उस केस में अदर पार्टी को पता होना चाहिए कि ये कर नहीं सकता है। The section speaks of admissions and representations being evidenced against the firm. That is to say, they will affect the firm when tendered by the third parties. मतलब जब third parties आपके ऊपर या तो sue करेंगी आपको या claim करेंगी आपसे आके, तभी ये section जो है, ये firm जो है तभी affect होगी आपकी। ठीक है, they may not have the same effect in case of disputes between the partners themselves. मतलब third party जब आपके आके आपको sue कर रही है या third party आपको आके कुछ कह आपके आपसे damages claim कर रही है या claim कर रही है, तभी ये वाला section applicable होता है। मोटा मोटी कोई भी partner उसकी जो authorities है उन authorities में रह के ही firm को bind कर सकता है in any transaction, and that is आपकी partnership transaction के ही होनी चाहिए। personal transaction में करेगा तो नहीं माना जाएगा। Second point is third party can only claim the damages or can only sue the firm. ठीक है, sorry, the firm can only be sued by or can be or the damages can be claimed from the firm by the third parties only. ठीक है, within the partners, जो partners अपने आप करते हैं वो चीज नहीं होगी। ठीक है, effect of notice to acting partner. According to section 24, notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. सीधी सीधी बात है सर, notice to a partner who habitually acts in the business of the firm, मतलब उसकी day to day operations में वो involved है। ठीक है, किसी भी matter के जो कि आपकी firm के operation से related है, as notice to the firm मतलब वो डे टू डे मैटर जो कुछ भी वो करता है, ठीक है, जो भी वो हैबिचुअली करता है, ठीक है, इन द फर्म जिसके लिए कि वो एलिजिबल है करने के, वो सारे एक्ट्स आपके नोटिस मान ले जाते हैं फ्रॉम दैट पार्टनर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड जो कि अगर फर्म कमिट करेगी और विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। अगर फ्रॉड है तो उस केस के अंदर आपको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं बॉस, दिस इज नॉट अ नोटिस जो कि हम लोग एक्टिंग पार्टनर के लिए मानेंगे। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। P, Q and R partners in a business for purchase and sale of second-hand goods. R purchases a second-hand car on behalf of the firm from S. This is fourth party. Yeah, second party कह लो क्योंकि ये सारे आपकी first party बनेंगे. In the course of dealing with S, he comes to know that car is stolen one. Fraud है. And it actually belongs to X. P and Q are ignorant about it. आर ने ट्रांजेक्शन कर दी, पी एंड क्यू को नहीं पता कि कार चोरी की है और एस को और आर ने एस को बेच दी। ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू एक्स द रियल ओनर। द ओनली एक्सेप्शन वुड लाई इन द केस ऑफ फ्रॉड वेदर एक्टिव और टेसिड। ठीक है, अगर कोई फ्रॉड होता है इन द नॉर्मल ट्रांजेक्शन और इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द फर्म, उस केसेस के अंदर सारे ही पार्टनर्स आपके लायबल माने जाएंगे। As in, कि वो सारे के सारे वही काम करते थे और उनको पता था कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है, इवन दो दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस
फैक्ट। ठीक है सर, एनी वन एनी डाउट? आशु, कनिष्का, खुशदीप? ठीक है सर। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। ठीक है, तो जब तक वो पार्टनर थे या जब वो पार्टनर है, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो कि उनकी फर्म करती है, सो ऑल दोज पार्टनर्स विल बी लायबल जॉइंटली विद ऑल द पार्टनर्स। ऊपर वाले केस के अंदर भी पढ़ लिए चीज। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ ए पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स, लॉस और इंजरीज कॉज टू एनी थर्ड पार्टी और एनी पेनल्टी इज इनकर्ड, द फर्म इज लायबल देयर ऑफ टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। मतलब टिट फॉर टैट है, अगर फर्म के काम के लिए पार्टनर्स लायबल है, तो पार्टनर से काम के लिए फर्म भी लायबल होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी। अपेरेंट का मतलब होता है सर जिसमें कि कोई भी दो व्यूज नहीं है। ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली सीन और Without second view, receives money or property from a third party and misapplied. ठीक है, पार्टनर को थर्ड पार्टी से पैसे मिले और उसने उसको गलत एप्लीकेशन में लगा दिया। और a firm in the course of its business receives money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm is liable to make good the loss. बेसिकली ऊपर वाला पॉइंट अगर आप पढ़ोगे, तो फर्म अगर पार्टनर गलती करते हैं तभी फर्म लायबल है, अगर फर्म गलती कर रही है तो भी पार्टनर्स लायबल है। इस केस के अंदर पार्टनर जो कि अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में एक्ट कर रहा था, उसने ये उसने मनी ली और उसने गलत जगह पे लगा दिया, तो भी फर्म जो लॉस होगा उसको उसको भरेगी। और फर्म ने पैसे लिए थे और फर्म जब तक फर्म की कस्टडी में पैसे थे, वहां से उठा के पार्टनर ने मिसअप्लाई कर दिया, चाहे किसी भी एक पार्टनर ने या सारे पार्टनर्स ने, उस केस के अंदर भी फर्म आपकी उसके लॉस को रिकवर करके देगी। एनी डाउट एनीवन? ठीक है सर। अच्छा, ये ना आप एनालिसिस वाली जो सिंपल लैंग्वेज है खुद पढ़ लेना, ये मैं क्योंकि ये ऊपर वाला ही रेपिटेशन है, ऊपर वाला लॉ की लैंग्वेज है, नीचे रेपिटेशन है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा उसको। ठीक है, तो ये मैं सोचना कि सर कोर्स छुड़वा रहे। अगला पॉइंट है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, ए ट्रांसफर बाय पार्टनर ऑन हिज इंटरेस्ट इन द फर्म either absolute or by mortgage or by the creation by him of a charge on such interest does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business or to require accounts or to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of the profits of the transferring partner, and the transferee shall accept the account of profits agreed to by the partners. मोटा मोटी बात यह है कि मान लीजिए तीन एक पार्टनर है, ए बी और सी। सी ने जो है अपना जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट था फर्म के अंदर, ए बी सी एंड मान लीजिए कंपनी के अंदर, ये इसने या तो किसी को ट्रांसफर कर दिया या इसने मॉर्गेज कर दिया, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हो गया। इस केसेस के अंदर जो आपका ट्रांसफर ही होगा, वो ना ही फर्म के बिजनेस में दखल दे सकता है, ना ही वो फर्म की बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, ना ही वो अकाउंट्स मांग सकता है। बस वो एंटाइटल होगा, जो भी फर्म प्रॉफिट्स अर्न करेगी वो उसको मिलेंगे, जो भी सी का इंटरेस्ट हुआ करता था वो ट्रांसफरी का इंटरेस्ट हो जाएगा, जो भी सी के पैसे हुए करते थे वो ट्रांसफरी के पैसे हो जाएंगे। बेसिकली पैसे लो, काम खत्म, आपका फर्म में कोई काम नहीं है, आपका फर्म के बिजनेस में कोई काम नहीं है, आपका फर्म में फर्म के इंटरेस्ट में कोई काम नहीं है, आपका फर्म की डिसीजन मेकिंग में भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट है इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड or if the transferring partner ceases to be a partner, the transferee
is entitled against the remaining partners to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner is entitled. ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी मतलब है कि अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई, ठीक है, या फिर जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है जिसका जिसने अपना जो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जो उसने मॉर्गेज किया या किसी ने उसको बेच दिया, उस केसेस के अंदर जो ट्रांसफरी होगा, ट्रांसफरी के पास ये राइट होगा कि जो भी एसेट्स वगैरह जो उसको मिलने चाहिए थे वो सारे के सारे आपके ट्रांसफरी को मिलेंगे. ठीक है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ एसेटिंग दैट शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, कि जो भी उसका शेयर था जब डिसोल्यूशन हुआ है उसके बाद में जितने ट्रांसफरी को मिलते हैं, बेसिकली जो भी ट्रांसफरी को मिलना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वो आपका ट्रांसफरी को मिलेगा. और इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंस्पेक्टिंग द बुक्स, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरिंग द बुक्स टू इंस्पेक्ट, कुछ भी ट्रांसफरी को नहीं मिलेगा. पैसे लो, प्रॉपर्टी लो, बात खत्म, बाकी चीजों में आपकी दखलंदाजी नहीं चलेगी ट्रांसफरी की. एनी डाउट एनीवन? आगे बढ़े. अगला पॉइंट है सर, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. सेम पॉइंट है सर, माइनर की डेफिनेशन और माइनर के जो फायदे हैं और जो माइनर की जो जो भी सारी चीजें हैं वो चाहे आप किसी भी एक्ट के अंदर चले जाओ वो चेंज नहीं होती. माइनर हमेशा आपके बेनिफिट्स के लिए ही एंटर करेगा फर्म में, लॉस को कभी भी इंडेमनीफाई नहीं करेगा. ठीक है, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते. अगर आप गलत कर दोगे तो माइनर कैन क्लेम हिज डैमेजेस एंड कोर्ट विल गिव माइनर हिज डैमेजेस. ए पर्सन इज हु इज ए माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, विच ही इज सब्जेक्ट मे नॉट टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. कभी भी पार्टनर नहीं बनेगा बट बिकॉज वो माइनर है, बट वो बेनिफिट्स के लिए एंटर हो सकता है. सच माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज मे बी अग्रीड अपॉन एंड ही मे हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म. ठीक है जी, माइनर आपका बेनिफिट्स भी ले सकता है, ठीक है, जो भी आपके अग्रीड है, माइनर आपका जो प्रॉपर्टी में शेयर भी ले सकता है जो भी आपका अग्रीड है, एंड माइनर कैन टेक एनीथिंग टू एवरीथिंग, ठीक है, एंड माइनर कैन इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड माइनर कैन हैव द एक्सेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म. सच माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट. उसने अगर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ तो फर्म इज लायबल बट नॉट माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल. ठीक है जी, सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म सेव व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड इन सच केस द अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन मेड एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 48. सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. ठीक है जी, माइनर आपका पार्टनर्स को सू नहीं कर सकता, फर्म को सू नहीं कर सकता, ठीक है, अपना जो प्रॉफिट वगैरह के लिए सू नहीं कर सकता, बट जब कभी भी माइनर आपका वहां से निकलेगा उस केस के अंदर आपकी जो है वैल्यूएशन की जाएगी, ठीक है, और जो भी वैल्यूएशन करके जो भी उसका पैसा बनता है या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टी बनती है, जो भी उसका शेयर बनता है, वो सारा का सारा आप माइनर को दे देंगे. प्रोवाइडेड दैट ऑल पार्टनर्स एक्टिंग टूगेदर or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm and thereupon the court shall proceed with the suit as well as the dissolution for settling accounts between the partners and the amount of the share of the minor shall be determined along with the share of the partners. मोटी मोटी बात है सर, अगर कोई भी पार्टनर अगर फर्म को डिसॉल्व करने के लिए खड़ा हो जाता है कि मेरे को फर्म को डिसॉल्व करवाना है या फिर अगर कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करती है तो जितना जो शेयर है डिसोल्यूशन के बाद में बाकी पार्टनर्स को मिलेगा, लगभग लगभग जो माइनर का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, जो माइनर का जो भी एंटाइटलमेंट आ रहा होगा, वो सारा चाहते सारा आपको माइनर को मिल जाएगा. ऊपर वाला केस है आपका नॉन डिसोल्यूशन, नीचे वाला केस है आपका डिसोल्यूशन. ठीक है, किसी को कोई डाउट? उन्होंने बेनिफिट में ऐड कर लिया है इसलिए ले लेंगे.
देखो ऐसे जो केसेस है ना वो रियल वर्ल्ड में होते हैं, जस्ट टू इवेड टैक्सेस, यू नो, टू धोखाधड़ी करने के लिए किसी के साथ में, ये सारे केसेस रियल वर्ल्ड में होते हैं। इसीलिए लॉ ने ना इनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखा है कि अगर रियल वर्ल्ड में ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो उनको ऐसे डील किया जाए। या फिर माइनर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेगा फर्म के ऊपर ऐसे नहीं पार्टनरशिप। करेगा सर, ही विल एंटाइटल ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, और ही विल एंटाइटल ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रॉफिट, या शेयर ऑफ द प्रॉफिट, या फिर आपका शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, या एनीथिंग। देखो सीधी सीधी बात है, एक थंब रूल है, माइनर लॉस कभी बेयर नहीं करेगा, माइनर के साथ कभी गलत नहीं हो सकता, माइनर के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, बस आप ये चीज पकड़ के चलो। ओके सर, ठीक है, माइनर के साथ कभी भी आप गलत नहीं कर सकते, ना लॉ गलत करेगी माइनर के साथ में, ना आप गलत कर सकते हो, माइनर के साथ हमेशा ही अच्छा होगा, चाहे वो कुछ भी कर दे पर माइनर हमेशा ठीक होगा। क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि अगर बच्चा 18 से कम का है ना, तो हमारी जो इंडियन लॉ है वो ये मानता है कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति उतनी ज्यादा नहीं है, ही इज नॉट दैट मैच्योर इनफ कि वो अपने डिसीजन, जो भी वो डिसीजन या तो ले रहा है या डिसीजन के लिए वो सोच रहा है, वो ठीक से सोच पाए, क्यों 360 डिग्री एंगल से वो नहीं सोच सकता। तो हमारी कोर्ट वगैरह ये जो ये मानते हैं कि बस आप नहीं सोच सकते हो, तो इसीलिए आपको हमसे बेनिफिट्स में एंटर करेंगे और आपके लॉसेस में नहीं एंटर करेंगे। गलत आपने कर दिया कोई बात नहीं, छोड़ दो, अच्छा किया तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, और बाकियों ने अच्छा किया तो ठीक है, आप उनका भी फायदा लेके जाओ। ठीक है, अगला पॉइंट है सर, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हिचएवर डेट इज लेटर। ये डेट का पंगा बहुत आता है लॉ में, ये डेट से याद रखना कि लेटर किस चीज को बोला जा रहा है, कंपनीज एक्ट में बहुत आएगा। सच पर्सन मे गिव पब्लिक नोटिस दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम और दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम ए पार्टनर इन द फर्म एंड सच नोटिस शैल डिटरमिन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द फर्म। मोटा मोटी बात, माइनर मेजर बन गया, ठीक है, तो मेजर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर और उसको ये नॉलेज हो जाती है दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, मान लो आज 18 का हो गया, आज क्या चल रहा है आपका अगस्त, और जनवरी तक या तो 6 महीने के अंदर विद इन जनवरी, या फिर जब उसको पता लगता है कि अरे मैं बेनिफिट्स में एडमिटेड हूँ फॉर द इन द पार्टनरशिप, विच एवर इज लेटर, यहाँ पे वर्ड याद रखना, विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो जब जैसे ही उसको ये पता लगेगा या फिर वो मेजर बन जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, उसको ये बताना पड़ेगा दैट ही इज इलेक्टेड टू बिकम द पार्टनर, या तो वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है। ठीक है, उस केस के अंदर जैसे वो बता देगा और फिर उस केस के अंदर या तो उसको पार्टनर बना लिया जाएगा या फिर पार्टनर उसको नहीं बनाया जाएगा। ये वाली डेट याद रखना सर, विच एवर इज लेटर, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। Provided that if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. अगर उसने नहीं बताया कि वो नहीं बनना चाहता है पार्टनर, तो यहाँ पे imply कर लिया जाएगा कि वो बनना चाहता है, उसकी शांत चुप्पी को उसकी हाँ मान लिया जाएगा, ठीक है, और वो पार्टनर बन जाएगा, become a partner in the expiry of the said 6 months, मतलब major होने के 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है सर, where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership in a firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the persons asserting the fact. मतलब आपने किसी minor को आपने enter कर लिया, ठीक है, in the partnership, तो within 6 months, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर तक जिन्होंने enter किया है उनकी liability, after 6 months जो माइनर मेजर हुआ है उसकी लाइबिलिटी, ये प्रूव करना पड़ेगा उसको कि वो बनना नहीं चाहता था विद इन 6 months, जिन बाकी बंदों को ओनस है, ठीक है, विद इन 6 months ओनस आपका बाकियों पे है, आफ्टर 6 months ओनस आपका माइनर के ऊपर हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर, सर मतलब लाइबिलिटी 6 months बाद बनेगी। यस सर, देखो जब तक वो माइनर है तब तक तो आपकी जो प्रूव करने का जो ओनस है वो हमेशा उन बंदों के ऊपर रहेगा जिन्होंने उसको एंटर करवाया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही वो मेजर होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर का तो लॉ आपको टाइम दे रहा है, ठीक है भाई, 6 महीने के अंदर अंदर माइनर आपका बता सकता है कि वो बनना चाह रहा है या नहीं बनना चाह रहा है,
अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर तक नहीं बताता और फिर वो पार्टनर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसा कि लॉ के अंदर लिखा है, ठीक है। तो जो उसको जब एंटर कर लिया तो विद इन जो 6 मंथ्स है ये आपका सेम रहेगा, इसको इस टाइम पे भी ये मान के चलो कि माइनर ही है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। और आफ्टर 6 मंथ्स ये बन जाएगा आपका मेजर, उसके बाद लाइबिलिटी इसकी, उससे पहले लाइबिलिटी उनकी जिन्होंने उसको एंटर करवाया। ठीक है सर। अगला पॉइंट है सर, वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, मतलब जहां पे अगर माइनर आपका पार्टनर बन जाएगा तो उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज अ माइनर आपके कंटिन्यू रहेंगे अप टू द डेट ऑन हिज ही ऑन व्हिच ही बिकम्स अ पार्टनर, ठीक है। बट ही आल्सो बिकम्स पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership. समझ में आया इसमें कुछ? Yes sir. बताओ सर। सर अभी liable हो जाएगा फर्म के। सर अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी के साथ कुछ एक्ट करता है तब पार्टनरशिप फर्म के लिए मतलब ये उस एक्ट के लिए लायबल हो जाएगा, तो वो सारी फर्म के लिए भी मतलब क्लेम डैमेज कर सकते हैं लोग फर्म से। नहीं देखो अब इसके अंदर ये चीज हुई है कि जब तक वो माइनर था वो सिर्फ बेनिफिट्स ले रहा था, ठीक है। जैसे ही वो माइनर आपका पार्टनर बनेगा फर्म के अंदर, फर्क समझना, फर्स्ट ही वॉज एंटर्ड फॉर बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। ही वॉज नॉट अ पार्टनर बट ही वॉज एडमिटेड फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। अभी उसको बना दिया पार्टनर, दो चीजें हैं अलग अलग। यहां पे आपकी बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप और यहां बना दिया उन्होंने आपको पार्टनर, ठीक है। अब जैसे ही ये बंदा यहां पे आके पार्टनर बना तो इसके जो राइट्स और जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, ये आपके कंटिन्यू रहेंगे अंटिल द डेट, ठीक है, ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर। और जो इसने जो भी कर्मकांड किए होंगे जब ये बेनिफिट्स में एंटर था, मतलब जब ये माइनर था, उन सारे कर्मकांडों के लिए ये अब रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको पहले छोड़ दिया गया होगा, ठीक है, पर उनकी वजह से अगर मान लो फ्यूचर में फर्म को कोई लॉस होता है इन एक्टिविटीज की वजह से, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा उनके लिए, बिकॉज अभी मेजर हो चुका है, अभी पार्टनर बन चुका है। मतलब मुझे कहना नहीं है कि पहले वाले भी अब वाले भी दोनों लॉसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा फर्म के लिए। यस, वंस ही बिकम्स अ पार्टनर, ये वर्ड याद रखना, वंस ही बिकम्स अ पार्टनर, अंटिल एंड अनलेस ही इज नॉट अ पार्टनर ही विल नॉट बी लायबल, वंस ही बिकम्स अ पार्टनर ही विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स दैट ही विल डू इन द फ्यूचर एंड फॉर ऑल्सो द एक्ट्स दैट ही हैज डन इन द पास्ट, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शैल बी द शेयर टू व्हिच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर, जब माइनर के टाइम पे उसको जब एंटाइटल किया होगा वही उसका शेयर रहेगा अंटिल एंड अनलेस आपकी पार्टनरशिप में कोई चेंज हो जाता है, ठीक है सर। अगला पॉइंट है, वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, यहाँ पे वो पार्टनर बन रहा है, यहाँ पे वो पार्टनर नहीं बन रहा है। His rights and liabilities shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice. ठीक है जी, जब तक वो minor था उसकी वही चीजें चलती रहेंगी, public notice दे देगा कि भाई मैं partner नहीं बनना चाहता हूँ, तो उसकी rights and liabilities तब तक वही चलती रहेंगी जो उसकी as a minor चल रही थी। His shares shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice. ठीक है, जैसे उसने नोटिस दिया तो वो फिर लायबल नहीं होगा उन सारी चीजों के लिए भी जो कि फर्म करेगी जैसे उसने नोटिस दे दिया उनके बाद में। एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 4। अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं देते हैं बाकी पार्टनर्स तो इन दैट केस वो आपका एंटाइटल्ड होगा, वो सू कर सकता है बाकी पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए, ठीक है। एनी डाउट एनीवन बता दो। थ्री पॉइंट दोबारा बताना। ये सी पॉइंट,
देखो सर ऐसा है, मान लो जब वो माइनर था तो उसको, जब वो माइनर है ठीक है तो वो बेनिफिट्स के लिए एंटर था, बट जब वो मेजर हुआ तो फॉर एग्जांपल मान लो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे और उस टाइम पे वो माइनर था, तब आपने उसको बेनिफिट्स के लिए एंटर कर लिया, आज के टाइम वो मेजर बन चुका है तो अब जो उसके फादर के जो शेयर थे या उसके फादर की जो प्रॉपर्टी का शेयर था वो उसको मिलना चाहिए आइडली। पहले तो आपने सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एंटर किया था, बट अब उसको मिलना चाहिए क्योंकि उसके पापा का ही पैसा था सारा। तो अगर बाकी पार्टनर्स उसको ये नहीं देते हैं इन दैट केस वो सू कर सकता है बाकी पार्टनर्स को वो चीज लेने के लिए, ठीक है। मतलब अपने पापा का हिस्सा सर पहले वाला जी, दोबारा मतलब अपने जो पापा की प्रॉपर्टी थी उस फर्म में हिस्सा था वो वाला वही लेगा ना सर, जो जिसके लिए वो एलिजिबल है। देखो जो उसको मिलना चाहिए वही ले सकता है, और ये डिपेंड करेगा फैक्ट ऑफ द केस के ऊपर कि उसको क्या मिलना चाहिए था, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा आपका। तो जो मिलना चाहिए मोटा मोटी ये समझो, जो मिलना चाहिए था अगर वो नहीं मिलता है तो उस केस के अंदर वो बाकी पार्टनर्स को सू कर सकता है इन द केस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ टू गेट दैट शेयर जो उसके लिए वो एंटाइटल्ड है, ठीक है। मोटा मोटी ये समझो कि जो मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलता है उसके लिए वो सू कर सकता है। सर और माइनर को भी इक्वली शेयर मिलेगा जो पार्टनरशिप को मिलता है? दोबारा बोलो सर। माइनर को जैसे पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट शेयर मिलता है तो माइनर को भी मिलेगा इक्वली? इक्वली सर तब मिलता है जब आपका, पहली बात तो देखो इक्वली तब मिलेगा जब आपने कोई आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका माइनर को बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, और जो भी उसका शेयर बनेगा वो उसको जो भी जिस बेनिफिट्स में एग्री करके उसको एंटर किया गया होगा ना पार्टनरशिप के अंदर वो बेनिफिट्स उसको मिलते रहेंगे। अगर उन्होंने ये कह के एंटर किया है कि तुझे हम प्रॉफिट्स देंगे तो बिल्कुल देंगे, अगर उन्होंने ये एंटर किया है कि तेरे एडवांस पे तुझे जो भी कैपिटल वगैरह जो कुछ भी है इसके अंदर उस पर तुझे इंटरेस्ट देंगे तो वो देंगे। अगर बेनिफिट्स के अंदर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो मिलेगा, और अगर बेनिफिट्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है या फिर मान लो अगर कंपनी आपकी लॉस मेकिंग है तो नहीं मिलेगा सर, तो लॉस में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है सर, परफेक्ट। सॉरी, अगला पॉइंट है सर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। दिस इज योर एडमिशन एंड जब बाहर जाने को क्या कहते थे सर, लीविंग का एक वर्ड होता था ना, एक्सिट पार्टनर, ये एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विल रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सर आपको पता ही है, आपने 12th में अकाउंट्स में किया ही है कि जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका चेंज होगा उस केस के अंदर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या बाकी सारी चीजें आपकी दोबारा कैलकुलेट होती है, करेक्ट? यस सर। डज ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट, यस दैट दिस वाज द रिटायरमेंट। यार आप लोग भी भूल गए रिटायरमेंट, मेरे तो 11 साल हो गए पढ़ाए हुए। और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर और इन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर एटसेट्रा फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा, एडमिशन होगा तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, या अगर रिटायरमेंट होगी तो फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, अगर कोई पार्टनर डिसॉल्व होकर हट रहा है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। मेरे को एक सेकंड देना सर। सॉरी अबाउट दैट। हाँ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर subject to contract between the partners and to the provision section 30, no person shall be introduced as a partner into the firm without the consent of all the existing partners, ठीक है? पहले सबको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी को enter करोगे, subject to provisions of section 30, ये याद रखना, subject to the provisions of section 30, की section 30 में जो लिखा हो उसके अलावा, subject to provisions of section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any acts done before he became a partner. आने वाली चीजों के लिए वो liable होगा, पिछले की भी चीजों के लिए वो liable नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ए पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, कि सबने एग्री किया और उसको रिटायर कर दिया, सबने हामी भरी और उसको वो रिटायर हो गया।
where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. चाहे उसकी पार्टनरशिप विल पे उसने बोला कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, वो भी वो रिटायर हो गया. A retiring partner may be discharged from his liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made. अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या फिर उसकी जो भी उसकी लाइबिलिटी बनती थी थर्ड पार्टी, वो उससे आप उसको मुक्त कर सकते हो. एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एंड सच एग्रीमेंट मे बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ही हैड नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट. मोटा मोटी बात है सर कि जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या जो भी उसकी लाइबिलिटीज थे अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अगर आप म्यूचुअली एग्री कर लेते हो तो उसको आप हटा सकते हो, या फिर आप उसको जो है मतलब अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं तो हटा सकते हैं कि ठीक है नाउ यू आर नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग, और अगर वो चाहे तो नहीं हटा सकते हैं. तो फिर जो भी वो लाइबल होगा जिन चीजों के लिए वो उनको फुलफिल करके जाएगा ही जाएगा. ठीक है, एनी डाउट एनीवन? आगे बढ़े. अगर पार्टनर्स चाहें तो उससे मतलब ले सकते हैं, अगर ना चाहें तो उसे फ्री कर सकते हैं. नहीं देखो सर, चाहें तो उसे फ्री कर सकते हैं, ना चाहें तो वो फ्री होगा ही नहीं, क्योंकि जो आपके एक्ट के अंदर लिखा होगा या फिर आपकी जो पार्टनरशिप के अंदर लिखा होगा, बिकॉज जो भी बिकॉज देखो सारे पार्टनर्स जो है वो आपके जो भी एक्ट करती है फर्म उसके लिए लायबल होते हैं पहली चीज. ठीक है, तो जो भी बाकी पार्टनर्स ने किया है या फिर जो भी फर्म ने किया है व्हेन ऑल ऑफ देम वर द पार्टनर्स ना, तो उन कामों के लिए तो वैसे ही लायबल होगा वो. ठीक है, तो अगर पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि भाई ठीक है चल तू जा रहा है तो तू क्या ही पैसे भरेगा, क्योंकि तेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है कि तेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है तो तू क्या ही पैसे भरेगा, तो एक काम कर ठीक है तू जा, हम तेरे से पैसे नहीं ले रहे. ठीक है, एक तो वो ऐसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट अगर वहां कुछ भी नहीं होता है तो वो तो वैसे भी लायबल है ना, तो वैसे ही वो देगा ही देगा. ठीक है, अगला पॉइंट है नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट of a partner from a firm, third point, he and the partners continue to be liable as partners to the third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement. मतलब आप रिटायर हो रहे हो, ठीक है, बट अभी तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो जो कोई भी कर्मकांड जो फर्म करेगी उन सभी के लिए आपके सारे ही पार्टनर्स लायबल होंगे अंटिल एंड अनलेस यू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इन पब्लिक. कि ए बी और सी है मान लो, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, एक आपका ए है, एक बी है, एक सी है, और ये रिटायर हो रहा है और ये पूरी मिला के ए बी सी एंड कंपनी बनती है, तो ए बी सी एंड कंपनी आपकी लायबल होगी फॉर एवरी ऑफ द फैक्ट, और ये भी पार्टनर्स आपके लायबल होंगे फॉर एवरी एक्ट डन बाय दिस फर्म अंटिल एंड अनलेस. अगर ये पब्लिक नोटिस दे देंगे तो सी लायबल नहीं है, पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक सी भी लायबल होगा. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर. अगर फर्म को अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि सी आपका जो है पार्टनर था भी या नहीं था, उस केस के अंदर सी विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स डन बाय द फर्म. ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है कि नहीं पता था तो नहीं है और पता था तो फिर है, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे दोगे. ठीक है, यस सर. ठीक है, नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 मे बी गिवन बाय द रिटायर्ड पार्टनर और बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, या तो खुद दे दे या फिर आपके बाकी पार्टनर्स दे दें. थर्ड पॉइंट है सर आपका एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर. एक्सपल्शन मतलब निकाल दिया बाहर. ए पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय एनी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स सेव इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ पावर्स कंफर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 32 शैल अप्लाई टू एन एक्सपेल्ड पार्टनर एज इफ ही वाज रिटायर्ड पार्टनर. मतलब सीधी सीधी बात है सर कि जो एक्सपल्शन की पावर है ना वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स. द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. अगर सारे के सारे मेजॉरिटी पार्टनर्स आपके सारे मिलके बोल दें एंड वो आपके गुड फेथ में होना चाहिए. ऐसा ना हो कि मतलब आपने एक सीधा साधा बंदा था उसको आपने गलत कर दिया उसके साथ में और आपने बाहर निकाल दिया. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स की आ रही है पहली चीज,
दूसरी चीज वो गुड फेथ में होना चाहिए, और तीसरी चीज वो एक्सपेल उसको कर सकते हैं। उसके बाद में वो सारी इम्प्लीकेशन जो कि रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर लगती है, वो सारी इम्प्लीकेशन आपकी एक्सपल्शन पार्टनर के ऊपर लग जाएंगे जिसको कि निकाला जा रहा है। ठीक है, सिंपल, वहां पे वो खुद हट रहा है, यहाँ पे उसको हटाया जा रहा है। हटाया कब जा सकता है? मेजोरिटी पार्टनर्स आपके एग्री करें हटाने के लिए, दूसरा आपका गुड फेथ में होना चाहिए, और तीसरा आपकी जो पार्टनरशिप डीड आपकी जो बनी थी उसके अंदर ये होना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा गलत काम अगर करेगा तो मेजोरिटी पार्टनर्स कैन कम अलोंग एंड मेक दैट पार्टनर एक्सपेल। ठीक है, डाउट है किसी को? आगे बढ़े? ठीक है सर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी दिवालिया हो गया सर। When a partner in firm is adjudicated as an insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved. जिस दिन order आ जाएगा कि ये partner insolvent हो चुका है, उस दिन से उसको he ceases to be a partner, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि firm dissolve हुई है या नहीं हुई है। Parent direct contract between the parties, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent. The state of partners who adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after that on which the order of adjudication is made. Upar wala point hai sir, ek partner insolvent hua aur aapke adjudication order aage, adjudication ka matlab hai ki court mein sir insolvency orders aa jate hain aapke, theek hai, aur aapki firm bhi insolvent ho gayi. Us case ke andar chahe firm dissolve ho us time tak ya na ho, बट आप एडजुडिकेशन के ऑर्डर आ गए और फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, तो वो पार्टनर जो कि इंसॉल्वेंट हुआ है उसके एक्ट के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और फर्म के एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फ्रॉम द डेट जिस दिन एडजुडिकेशन के ऑर्डर आ जाएंगे। किसी को कोई भी डाउट? और बंदा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, बट जो बाकी पार्टनर्स है वो ये कह रहे हैं कि हम फर्म डिसॉल्व नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू द फर्म एज इज, ठीक है, फ्रॉम द वेरी डेट जिस दिन एडजुडिकेशन के ऑर्डर आएंगे उस डेट से firm will not be liable for any act done by that insolvent partner, or that insolvent partner will not be liable for any act done by that firm. यहाँ पे ये है इसका मतलब। Okay sir. ठीक है, अगला पॉइंट है liability of estate of deceased partner. Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of a partner, the estate of deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. Banda mar gaya, firm dissolve nahi hui hai, uske baad aap jo marzi karo, jo banda mar gaya uski uske hisse mein se aap kuch bhi nahi kar sakte, theek hai, uski property mein se, uske estate mein, estate ka matlab hota hai sir uski pichli poonji, theek hai, uski jo pichli poonji hai usme se aap agar maan lo aisa kuch act hua ki firm aapki loss mein chali gayi, उस केस के अंदर दैट डिसीज पार्टनर और द फैमिली ऑफ दैट डिसीज पार्टनर और द स्टेट ऑफ दैट डिसीज पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट फ्रॉम द डेट आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी को बताओ, फिर आगे आगे कैरी करते हैं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना सर, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है सर आपका राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही में नॉट यूज द फर्म नेम। मतलब तीन पार्टनर्स थे, एक बंदा निकल गया पार्टनरशिप फर्म से और रह गई वो दो बंदों की पार्टनरशिप, बट जो तीसरा बंदा जो निकला था, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी थे, ये निकल गया, ये जाके कॉम्पीटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, द सेम बिजनेस दैट एबीसी एंड कंपनी वाज डूइंग सी कैन आल्सो डू दैट बिजनेस प्रोवाइडेड वो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, उस खुद को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखाएगा और कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। सॉलिसिट का मतलब होता है सर उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा,
ठीक है कि मेरा मेरा सामान लो उस फर्म का बेकार है या वो फर्म ऐसी है या वैसी है या ये है या वो है. ठीक है, सॉलिसिट द कस्टम ऑफ द पर्सन हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर, कि जो पहले उसके जो कस्टमर्स थे ठीक है उनको भी जाके उनको सॉलिसिट नहीं करेगा, मतलब कि गलत तरीके से अपना कस्टमर नहीं बनाएगा उनको. तो अगर बनाने हैं तो नहीं बनाओ, ठीक है, फर्म का नाम यूज मत करो, खुद को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव मत दिखाओ. एनी डाउट एनीवन? ठीक है, अगला पॉइंट है आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ ट्रेड. ए पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर्स कि जब मैं फर्म छोड़ के जाऊंगा ठीक है तो मैं सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा विद इन दिस स्पेसिफाइड पीरियड, मान लो 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, दैट इज अ फैक्ट ऑफ द केस. ठीक है, या फिर वो इस जगह पे नहीं करेगा. एंड नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड आर रीजनेबल. मतलब नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट आप इसके अंदर कर सकते हो, ये आपको वो बता रहा सेक्शन 27 के अंदर आपका नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट था. ठीक है सर, किसी को कोई भी डाउट? मतलब अगर आप नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट के अंदर जाते हो कि भाई अगर मैं यहां से निकल जाऊंगा तो मैं सिमिलर केस और सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा या सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेस में नहीं करूंगा, वो आपका वैलिड माना जाएगा. किसी को कोई भी डाउट है बता दो. क्लियर है सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अगला पॉइंट है सर आपका राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स. मतलब पार्टनर रिटायर हो चुका है बट फ्यूचर में भी उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे. वेयर एनी मेंबर ऑफ ए फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज्ड टू बी अ पार्टनर एंड द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट. ये लाइन याद रखना, विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन देम एंड द आउटगोइंग पार्टनर ऑफ हिज एस्टेट. आपने सेटलमेंट नहीं किया है, मतलब जितना उसका हिस्सा बनता था या जितना वो ले जाने के लिए उसको उसका जो FNF बनता था, फुल एंड फाइनल उसका जो अमाउंट बनता था, वो आपने अभी तक नहीं किया है. देन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ठीक है जो कि इसको काउंटर करे, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट इज एंटाइटल्ड एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ, या तो वो खुद अगर जिंदा है तो खुद, या मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, टू सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स मेड सिंस ही सीज टू बी अ पार्टनर एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. समझ में आया? साथ साथ समझाया मैंने. सर एक बार भी मतलब कंक्लूजन में बता दो. बता देता हूँ, सीधी बात है. देखो अगर कोई बंदा मर गया, अब आउटगोइंग पार्टनर की आप सारी डेफिनेशन याद करो, आउटगोइंग बंदा कब कैसे बन सकता है, या तो वो डेथ हो जाए उसकी ठीक है, दूसरा या फिर वो रिटायर हो जाए या फिर एक्सपेल कर दो उसको ठीक है, या फिर वो इंस्टॉलमेंट हो जाए. 4 पॉइंट से वो आउटगोइंग पार्टनर है ठीक है. जब वो बाहर निकला तो फर्म के जो बाकी पार्टनर्स थे और उसके बीच में कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ ठीक है, कि भाई तेरा इतना पैसा बनता है. फॉर एग्जांपल मान लो उसका ये था कि तेरा 10 लाख रुपए बनता है, 10 लाख रुपए ले और लेके निकल यहाँ से ठीक है. अगर ये सेटलमेंट हो जाता उसके बाद में अगर फर्म कोई भी काम कर रही थी, कुछ भी प्रॉफिट अर्न कर रही थी या कुछ भी वो कमा रही थी, उसके लिए दिस पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, आउटगोइंग पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और विल नॉट बी लायबल, सॉरी द राइट वर्ड टू यूज ठीक है. बट अगर ये सेटलमेंट नहीं हुआ है तो जब तक ये सेटलमेंट नहीं होगा उसके बाद में और जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता, दिस आउटगोइंग पार्टनर इज एलिजिबल फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जितना कि अगर वो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहता तब उसको मिलता, पहला चीज. या फिर अगर आप प्रॉफिट्स नहीं देना चाहते हो तो इसकी कैपिटल के ऊपर ठीक है, और टू इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि जितनी भी इसकी जो जो कैपिटल बनती है या फिर जो भी जिसके लिए भी ये एलिजिबल है अमाउंट के लिए, उसके ऊपर 6% पर एनम का ब्याज दे दो, या तो प्रॉफिट्स में शेयर दे दो या 6% पर एनम का ब्याज दे दो, दोनों में से एक चीज दे दो. सर तब तक दे दो जब तक वो अपनी जब तक उस पार्टनर को फाइनल सेटलमेंट नहीं मिल जाती. यस सर, तब तक देना पड़ेगा जब तक उसको फाइनल सेटलमेंट नहीं मिलता. ठीक है ठीक है. प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स
एंड ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ अ डिसीज्ड और आउटगोइंग पार्टनर एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज्ड। मोटा मोटी बात इसके अंदर ये है कि अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई जो आउटगोइंग पार्टनर उनका उसका जो शेयर है तुम लोग परचेज कर लो, तो अगर वो कर लेंगे तो इन दैट केस फिर आउटगोइंग पार्टनर जो है वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी चीज के लिए, चाहे वो फाइनल सेटलमेंट हो रही है चाहे फाइनल सेटलमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट एंड द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, revocation of continuing guarantee by change in the firm. According to section 38, a continuing guarantee given to a firm or to third party in respect to the transactions of a firm is, in the absence of agreement to the contrary, revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm. सर कंटिन्यूइंग गारंटी होती है कि जैसे मान लो आप लोग काम आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो और हम लोग आके ना थर्ड पार्टी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स को आके हम लोग एक गारंटी दे दें कि ठीक है जब तक हम पढ़ा रहे हैं तब तक आपके बच्चे पास होते रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, दिस इज अ केस ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी जब तक आप हमारे पास पढ़ते रहोगे, आपकी हमारी पार्टनरशिप चल रही है तब तक ये कंटिन्यूइंग गारंटी भी चलेगी। जैसे आप या तो हमारे पास से पढ़ना आप खत्म करोगे गारंटी रिवोक हो जाएगी, या फिर जैसे ही आप सीए छोड़ दोगे ये गारंटी रिवोक हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी चेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के अंदर आपकी कंटिन्यू गारंटी खत्म, उसके बाद अगर कुछ है तो नई गारंटी बना दो। ठीक है सर, एनी डाउट एनी वन बता दो। ओ सर क्लियर। ठीक है सर, परफेक्ट। स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। दिख रही थी, अभी दिखेगी। अगला पॉइंट आता है सर आपका रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कि फर्म को रजिस्टर कैसे करेंगे और फर्म को डिसॉल्व कैसे करेंगे। ये मैंने आपको उस टाइम ही बताया था। आप मेरे को ना एक सेकंड पानी पी लो जरा, आप लोग भी रेस्ट कर लो। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा देखो, रजिस्ट्रेशन जैसा मैंने पहली क्लास में बताया था कि किसी भी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है तो एक प्रॉपर आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है। पार्टनरशिप डीड के अंदर एक सर्टेन आइटम्स है, आपके सर्टेन एलिमेंट्स है जो कि आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही पार्टनरशिप डीड आपके एग्जिस्टेंस में आएगी। तो जो पार्टनरशिप डीड है आपकी वो रजिस्टर कब होती है, या तो आप पोस्ट से भेज दो, ठीक है, सेंडिंग बाय पोस्ट, या खुद से जाके पर्सनली डिलीवर करके आ जाओ टू द रजिस्ट्रार ऑफ दैट एरिया जिसमें कि आपका आपकी फर्म सिचुएटेड है, या बिजनेस ऑफ द फर्म आपकी सिचुएटेड है, या फिर बिजनेस ऑफ द फर्म आपका सिचुएट होने वाला है, या फिर वहां पे वो होने वाला है। उसके बाद आप वो फीस पे कर दो, और जैसे आप फीस पे करेंगे आपकी फर्म और वो स्टैंप लगाएगा आपकी फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर आपकी ये सारी चीजें होनी चाहिए। सेल्फ डीड है सर, इसमें क्या ही समझाऊं और क्या ही बताऊं। ठीक है, सबके साइन होने चाहिए, कोई ये वाले नाम नहीं होने चाहिए। शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नेमली क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, ये वाले नाम नहीं होने चाहिए।
ठीक है, जब तक आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको ये कंसेंट ना दे दे कि ये वाला नाम आप यूज कर सकते हो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे इसको तो आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, जो मैंने पहली क्लास में बताया था। आपके पार्टनर्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप उसमें रिलीफ नहीं ले सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास जब मैंने करा रहा था इसमें बताया था। एग्री पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्ट ऑफ द फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप रजिस्टर ही नहीं है तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म, ठीक है, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म द एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी आपकी सू कर सकती है। ये दिस इज ओनली अ मेजर जो हटके है लीग से, कि पार्टनर्स कुछ नहीं कर सकते दूसरे के अगेंस्ट में, बाकी थर्ड पार्टी कर सकती है, ठीक है। एक्सेप्शंस आपकी ये है सर कि चाहे आप रजिस्टर मत करवाओ फिर भी आपकी ये वाली एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, ये वाले राइट्स नहीं खत्म होंगे। थर्ड पार्टी के राइट सेम टू सेम रहेंगे, डिसॉल्व करने के लिए आपके पार्टनर्स जो है वो उनके पास राइट रहेगा सेटलमेंट करने के लिए अकाउंट्स का। ऑफिशियल असाइनीज की पावर सेम रहेगी। The right to sue or claim is set off in the value of suit does not exceed sewing value. ये सारी सिंपल सिंपल रीडिंग है, ये आप खुद ही पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, याद ही करनी है आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी। अगला पॉइंट है सर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन होता है कि जब आप फर्म को खत्म कर रहे होते हो, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। आपने पढ़ा ना पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर 12th में? Yes, sir, account से पढ़ा। हाँ, account से पढ़ा है ना आपने। जब आप ये डिसॉल्व करोगे तो ये आपका, इसके बाद आपका डिफरेंस है कि आपकी फर्म डिसॉल्व करोगे तो क्या, पार्टनरशिप डिसॉल्व करोगे तो क्या, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट ओनली इन्वॉल्व्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म डिसॉल्व कर रहे हो तो भाई बिजनेस ही खत्म, और पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हो तो बिजनेस खत्म नहीं है, पार्टनरशिप खत्म है। हो सकता है किसी और के साथ कर लो या किसी एक को एंटर कर लो डिसॉल्व कराने के बाद में, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका, बाइंडिंग अप ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये सारा सर यही है। अब इसमें बताओ क्या पढ़ाऊ मैं। पहला मोड है सर, या तो कोर्ट के ऑर्डर से आप डिसॉल्व कर दो, ये तभी हो पाएगा जब आप रजिस्टर हो मेनली, क्योंकि उसके बाद अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे नहीं जा सकते, या वॉलंटरी डिसोल्यूशन कर दो आप, कि खुद से ही जाके आपने डिसॉल्व करा लिया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन की कोर्ट करवाएगी वॉलंटरी, जब आपने एग्रीमेंट से कर लिया। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, कि अगर ऐसा कुछ था, ठीक है, जो कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, और ऐसा कुछ अगर हो जाए जिसकी वजह से ये आपकी कंटिंजेंसी होगी, तो उसकी वजह से आपको जो है ये पार्टनरशिप को आपको फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ये वाले पॉइंट्स हैं, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, कि पार्टनरशिप आपकी विल पे थी, जहाँ पे कि एक पार्टनर और बंदे आके फर्म में भी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। विल पे है तो वैसे ही इसको डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया, कह लेते हो कि इनसैनिटी और अनसाउंड माइंड, जहाँ पे पार्टनर जो कि स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, ठीक है, अगर वो कोर्ट कह देते हैं कि भाई ये बंदा तो दिमागी रूप से इनकेपेबल है, तो वो डिसॉल्व कर सकती है, तो कोर्ट डिसॉल्व करती है। दीज आर एक्चुअली द पॉइंट है जहाँ पे कोर्ट आपकी डिसॉल्व कर सकती है। परमानेंट इनकेपेसिटी, जहाँ पे कि बंदा केपेबल ही नहीं है करने के, वहाँ डिसॉल्व कर सकती है। मिसकंडक्ट आपने किया, कुछ गलत चीज है आपने की, वहाँ डिसॉल्व कर सकती है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आप लगातार ब्रीच करते जा रहे हो, आपकी फर्म जो है लगातार एग्रीमेंट ब्रीच करते जा रही है, मतलब एक एक फुलफिल नहीं किया, फिर दो फुलफिल नहीं किया, फिर तीन फुलफिल नहीं किया, अगर आप सारे फुलफिल नहीं कर रहे हो तब भी फर्म आपकी डिसॉल्व हो सकती है, कोर्ट आपकी फर्म डिसॉल्व कर देगी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मेरे पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी और हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट इन रिकवरी ऑफ एरियर्स लैंड रिवेन्यू ड्यू बाय द पार्टनर। The court may dissolve the firm at an instance of any other partner. मतलब कि अगर अगर partnership firm को कोई भी अगर interest, जैसे land dues देने हैं, ठीक है, government के land dues देने हैं, कोई third party के पैसे अगर देने हैं, और एक बंदा जो अपना partner अपना सारा share transfer कर दे, तभी court उसको dissolve कर सकती है। आपको लगातार losses हो रहे हैं, perpetual का मतलब पता है ना सर, जो होता रहता है continuous nature में, लगातार लॉसेज हो रहे हैं, तो वो भी आप फर्म डिसॉल्व कर सकती है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। इसके अलावा अगर ये सारे ग्राउंड्स होंगे तो भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है।
कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन सेम है सर, जो भी आउटगोइंग पार्टनर्स थे, जो भी आप पढ़ के तो आई हो पार्टनरशिप में अकाउंट्स में, बस ये यहाँ पे ये है कि ये क्यों होता है, जो लॉ है आपको ये बोल रहा है कि इसलिए होता है। सेक्शन 45 has two fold objectives. It seeks to protect third parties dealing with a firm who had no notice of prior dissolution. अगर आप डिसॉल्व करते भी हो फर्म, तो जितनी भी आपकी लायबिलिटीज वगैरह जो बनती है टू द थर्ड पार्टी सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज, और थर्ड पार्टीज के लिए आपकी कोई भी लायबिलिटी है वो सारी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसॉल्यूशन, अगर आप डिसॉल्व कर देते हो तो हर पार्टनर्स का रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड होता है अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स और द रिप्रेजेंटेटिव टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ठीक है जी, मतलब जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं और वो सारी की सारी वो यूज हो सकती हैं डेट्स और लायबिलिटीज पे करने के लिए, और अगर कोई सरप्लस बचता है तो अपने पास उसको रख लो। मतलब हर बंदा लायबल होगा जो भी पार्टनर्स हैं। कंटेनिंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप, पार्टनर्स आपके अथॉरिटी उनकी रहेगी, जैसे वो पार्टनर्स जब नॉर्मल हुआ करते थे तब भी उनकी जो अथॉरिटी थी वही अथॉरिटी आपकी कंटिन्यू रहेगी उसकी। कोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स सेम है सर, पढ़ लेना, क्या पढ़ाओ इसमें, सिंपल सिंपल लैंग्वेज है। पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड द सेपरेट एंड ऑफ सेपरेट डेट्स, जो भी पार्टनर्स हैं वो फर्म के डेट्स ही पे करेंगे सर, और अगर उन्होंने खुद से कुछ लिए हुए तो वो पे करेंगे, अगर खुद से कुछ भी नहीं लिए हुए हैं सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिए हुए तो वो पे नहीं करेंगे। ठीक है, आपका पार्टनरशिप एक्ट भी सर खत्म हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, 10:30 हो गए। आपका अटेम्प्ट कब है? नवंबर में है ना आपके पेपर? यस सर, नवंबर में। सर नवंबर में मोस्टली चांस लग नहीं रहे, दिसंबर के ही लग रहे हैं ड्यू टू कोविड थर्ड वेव। यस सर शायद, सर वे भी ऐसे, बट आईसीआई सर झुकता नहीं है, आईसीआई पेपर करवाता है चाहे वो नवंबर में हो चाहे वो दिसंबर में हो। अभी फाइनल के पेपर हुए हैं आपके, थोड़ा डिले हुए थे बट हुए हैं। आपका जो मई जुलाई में हुए थे, वो जुलाई में सर वो वाले पेपर हुए जो मई में हुआ करते थे। आपका जून वाला अटेम्प्ट उन्होंने नवंबर में अगर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है तो आई डोंट थिंक कि जो नवंबर से वो पेपर दोबारा शिफ्ट होंगे आपके, डाउटफुल है, हो भी सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, बट ये भी हो सकता है कि ना हो। 60-40 सर। सर कोविड की थर्ड वेव अब आना स्टार्ट हो गई है, जैसे कई केसेस वगैरह हो गई है सर केसेस। आप ये कह लो कि देखो जैसे जब फर्स्ट वेव जब खत्म हुई थी ना तो उसके बाद में ना केसेस कम होना स्टार्ट हो गए थे। अगर आपने देखा होगा तो इंडिया में जो मतलब इंडियन वाइडर इंडिया लेवल पे जो केसेस थे वो 20,000 के आसपास आ गए थे। बट अब भी अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो ना तो अभी जो केसेस हैं वो दे आर कंटिन्यूड, लाइक उनका जो एवरेज है ना वो 40K के आसपास का बना हुआ है। मतलब काफी टाइम से वो 40K के आसपास का बना हुआ है, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो दिस इज द पॉइंट जिसकी वजह से लग रहा है कि ना, और ये हो भी चुका है कि थर्ड वेव ना आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फिर साउथ साइड तो केस बढ़ ही रहे हैं दिल्ली सर, वो रियल नंबर्स है ना, दिल्ली और ये आपका बाकी हरियाणा यूपी नॉर्थ जो एरियाज हैं या जो भी, ये रियल नंबर थोड़े हैं। आपको लगता है उस टाइम पे सिर्फ 4500 ही डेथ हो रही थी जब क्रीमेशन ग्राउंड्स पूरे भरे हुए थे? इंडिया में इतने सारे क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं जिसमें कि आपके सिखों के भी आते हैं, जिसमें कि आपके क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं, सबके क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं। इंडिया में इतने क्रीमेशन ग्राउंड कम पड़ गए कि आप 4500 बॉडीज को वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे थे। सर जो डेथ हो रही थी सर वो दैट वाज अबाउट 20-30,000 इन अ डे। तो आप ये लेके चलो कि जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे थे उससे 5-6 टाइम्स या 7 टाइम्स नंबर्स हाई थे। रियलिटी जो होती है वो बहुत अलग होती है सर जो हम लोगों को दिखाई जाती है। अगर आप
अगर आप में कोई किसी का नेटफ्लिक्स अगर देखता हो ना, क्योंकि आप लोग आई थिंक आई एम श्योर आप देखते हो गए नेटफ्लिक्स पे, कभी देखना एक शो है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, यूएस का शो है, बहुत अच्छा है वो देखना, वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो हम लोगों को दिखाया जाता है और जो रियल में होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। आपको जो पिक्चर दिखाई जाती है वो बहुत डिफरेंट दिखाई जाती है। दिल्ली में 2 करोड़ पॉपुलेशन है सर ओवरऑल, इन जनरल जनरल, तो आप ये सोचो क्या 2 करोड़ पॉपुलेशन कवर अप नहीं हो रही थी इनसे। बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ डॉक्टर, ठीक है, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो द बोथ आर डॉक्टर्स, वन इज इन आर्मी जो कि गवर्नमेंट ड्यूटी पे गए था उस टाइम पे, एंड वन इज ऑल्सो वो जो आपके मोहल्ला क्लिनिक था इसके अंदर डॉक्टर है। वो लोग रियल सिचुएशन बता रहे थे कि मतलब हर आधे घंटे में 4 से 5 लाशें निकल जाती थी फ्रॉम ए वार्ड इन ए हॉस्पिटल। तो जो सिचुएशन आपको दिखाई जाती है या जो सिचुएशन आपको बताई जाती है, सिचुएशन हमेशा वो नहीं होती, सिचुएशन हमेशा डिफरेंट होती है। तो थर्ड वेव की स्टार्टिंग हो चुकी है, बट एज पर द स्टडीज ये कह रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम जो केसेस आएंगे दैट कुड बी 1 लाख पर डे इन अ गुड सिनेरियो एंड 1.5 लाख पर डे इन अ बैड सिनेरियो और इन अ वर्स सिनेरियो। सो देयर कुड बी चांसेस कि आपके जो भी केसेस वगैरह जो आए वो आपके कम ही आए, बट आप ये लेके मत चलना कि ICI आपके एग्जाम्स पोस्टपोन करवाएगा। आई एम लाइक 90% श्योर एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं करवाएगा वो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ढीट है। उसने जब कोविड की सेकेंड वेव पीक पे थी उसने तब भी एग्जाम्स करवाए, तो उस केस के अंदर वो कहता है कि अगर आप आपको लग रहा है कि आप दे सकते हो पेपर तो आप दे दो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं देना चाहते हो, you have a fear of your life, but वो एग्जाम लेता है।